वेरी गुड। नमस्कार आदाब, फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है गांधी का रास्ता के इस नए एपिसोड में। जैसा आप मीडिया में देख रहे हैं कि किसानों का एक ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। किसानों का ये आंदोलन क्या सिर्फ किसानों का ये आंदोलन है? क्या सिर्फ ये MSP या कुछ ये जो कानून, तीन कानून आ गए, सिर्फ यहाँ तक है सीमित? ऐसा नहीं है। किसानों का यह आंदोलन बहुत सारी चीजें तय करता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ है। अगर आप देखेंगे तो किसानों के आंदोलन का, किसानों के जो ये बिल आए हैं, इन बिल का सीधा असर किसान पे तो पड़ना ही है, लेकिन उसका सीधा असर आपके फूड क्राइसिस पे पड़ेगा, PDS के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे पड़ेगा, आप किस कीमत पे खाना अपने फूड आइटम्स खरीदेंगे उस पे पड़ेगा, तो पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पे इसका पूरा असर पड़ेगा। और किसान आंदोलनों का एक लंबा इतिहास 1857 के बाद से रहा है। आज़ादी की लड़ाई में किसान आंदोलन, बड़े किसान आंदोलन हुए, उसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए। दो बड़े आंदोलन, बारडोली और चंपारण के आंदोलनों में गांधी जी खुद शामिल हुए। तो किसानों का आंदोलन बहुत कुछ तय करेगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग अपने दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे वो है कि ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कानून देश में कैसे बनाए जाए, किसानों के बारे में कानून किसानों से बिना बात करके बनाया जा सकता है, शिक्षा नीति बिना शिक्षकों से बात किए बन सकती है, विद्यार्थियों से बिना बात किए बन सकती है। तो ये जो नया तरीका भी है शासन पद्धति का कि ऊपर से चीजें थोपने का, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल कम्प्लीटली नज़रअंदाज करने का, तो हमारे साथ दो बड़े चिंतक और एकेडमिशियन और गांधीवादी विचारक हमारे साथ हैं, प्रोफेसर VK त्रिपाठी जी और प्रोफेसर वी उपाध्याय। प्रोफेसर उपाध्याय अर्थशास्त्री रहे हैं IIT दिल्ली में, और आप दोनों से हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो आंदोलन चल रहा है इसका आर्थिक पहलू क्या है और उसका जो राजनीतिक और सामाजिक पहलू क्या है। तो प्रोफेसर त्रिपाठी, पहले मैं आपसे ही चर्चा शुरू करता हूं, और वो कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये इसको आप ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं, गांधीयन तरीके से? क्योंकि एक एक किसान नेता का एक हमने साउंड बाइट सुना सोशल मीडिया पे, वो ये कह रहा है कि हम पुलिस का बैरिकेड तोड़ेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन हमारे बीच में से अगर कोई हिंसा करेगा हम उसको पकड़ के पुलिस पे दे देंगे, हम हिंसा नहीं, हिंसा का जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे। ये बहुत सारे ऐसे किसान नेता या किसानों के जो वॉलंटियर्स हैं, आप तो वहां होकर भी आए मेरे ख्याल से दो बार, तो जी जी, तो आपको इस किसान आंदोलन में और जो इतिहास में किसान के आंदोलन हुए आजादी के पहले हुए, तो उसमें क्या समानताएं हैं और ये क्या क्या अचीव करेगा इन तीन बिलों के अलावा भी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। मैं गया था, दो दफा गया मैं सिंघू बॉर्डर और एक दफा गया गाजीपुर बॉर्डर, UP और दिल्ली के बीच में जो बॉर्डर है उधर, किसानों से बातचीत की। तो किसानों को आंदोलन इस सेंस में तो नॉन वायलेंट है कि हमारे लिए कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, किसी को परेशान नहीं करना, ये तो सही कर रहे हैं वो, सिवाय इसके कि जो चंडीगढ़ से आने वाला रोड है उस रोड पर वो जाम हो गया, वो मतलब कई किलोमीटर तक जाम है वो, तो ये तो एक पब्लिक की इनकन्वीनियंस तो उसमें है, अदर देन दैट वो नॉन वायलेंट है। और इतना नॉन वायलेंट है कि ये किसान किसी से दो पैसे भी, मैंने कोशिश की कि भाई आपके लिए कुछ मैं पैसा कंट्रीब्यूट कर दूं, निकल नहीं, हम अपने घर से खाना पीना लाए हैं, उस लिहाज से तो बड़ा नॉन वायलेंट है। और मांगों के बारे में भी कोई मांगे इनकी बेजा नहीं है, जो सरकार ने तीन कानून बनाए, जाहिर है वो किसानों को मद्देनजर रख के नहीं, हिंदुस्तान के व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को सामने रख के बनाए।
और ये पिछले जब से ये मॉडर्न बड़ी मशीनों की अर्थव्यवस्थाएं आई हैं और उसमें खेती हाशिए पे चली जा रही है। आज़ादी के वक्त हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 45% होता था, अब घट के वो 13% 12% पे आ गया। तो किसानों की बाकी जनता से जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत घट गई है, किसान बहुत कमज़ोर हालत में है। तो हालत ये है कि किसान इस वक्त खेती के आधार पे अनलेस उसके पास 10-20 एकड़ ज़मीन हो जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए सप्लीमेंट्री कुछ काम करना पड़ता है। और कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि गांव का किसान अपने पांव पे खड़ा हो सके, यानी खेती में जो अनाज पैदा करता है उसका पक्का माल भी गांव में बना सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं तो इंटरमीडिएट स्केल इंडस्ट्री गांव में आ जाए। अगर कपास पैदा करता है तो अगर कारखाना कपड़े का कारखाना गाँव में न लग सके तो पावरलूम गाँव में लग जाए, हैंडलूम लग जाए, पावरलूम लग जाए, इस तरीके से गाँव का कच्चा माल गाँव में पक्का बने। तो वो काम सरकार को, मतलब किसानों की मांग तो वो है ताकि गांव स्वावलंबी बने और किसान अपना गुजारा गांव में रह के कर सके। लेकिन उल्टा हुआ, सबसे बड़ा शोषण किसान का व्यापारियों और मंडी के द्वारा ही हो रहा है पिछले तमाम सालों से। किसान अपनी फसल बेचता है और जब मंडी में जाता है तो मंडी में नीलाम होती है और वो 10-15 व्यापारी घूमते रहते हैं, वही खरीद लेते हैं। अभी सरकार ने जो कानून बनाया कि व्यापारी प्राइवेट व्यापारी जाके किसान से गांव में खरीद लेगा या पहले से सौदा कर लेगा फसल पैदा होने के पहले ही, तो वो किसान के एडवांटेज की चीज नहीं है। किसान की मजबूरी का फायदा उठा के अपने मोल भाव करने की बात है। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन का एक तजुर्बा है, जब लॉकडाउन चालू हुआ तो मंडियां बंद थी, गेहूं की फसल आ गई, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 19 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे। अगर मंडी खुली होती तो किसान बेचने जाता तो 19 तो नहीं मिलता लेकिन 17 रुपए बिक मिल जाता उसको रेट। व्यापारियों ने कहा कि भाई इनकी मजबूरी का फायदा उठाओ, तो उन्होंने गांव में आके 16 रुपए किलो गेहूं खरीदा। तो क्या होता है कि मंडी में चूंकि बहुत सारे व्यापारी इकट्ठे होते हैं और वहां पे नीलाम वगैरह होता है तो थोड़ा सा बेटर एडवांटेज किसान को मिल जाता है, इंडिविजुअल व्यापारी और भी लूटेगा। करना तो ये चाहिए, और पिछले कई सालों से किसानों की मांग यही रही है कि एक तो हमारा समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट आई कि लागत से ब्योढ़ा मिले, वो मांग रखी, और दूसरी मांग ये रखी कि उसको सरकार मंडी में और व्यापार के जितने भी व्यापारी हैं उनमें इम्प्लीमेंट कराए कि इससे सस्ता कोई खरीदेगा नहीं, मुख्य मांग तो ये है। लेकिन सरकार बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, हमने कब मना किया है MSP के लिए लागू होगा लागू होगा, ये कागजी बात है। समझना चाहिए कि आखिर व्यापारी आजकल क्यों नहीं देता है इनके लिए। और दूसरा मसला किसानों का है प्राइस फ्लक्चुएशन का, वही आलू वही टमाटर वही प्याज, इनमें से बहुत सारी चीजें MSP के दायरे में है ही नहीं जो आनी चाहिए, और इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन बाई ए फैक्टर ऑफ मे बी 1.5, यानी कीमत में जोड़ा उछाल आ जाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें तो उछाल ये होता है कि अभी अप्रैल के महीने में टमाटर बिक रहा था दिल्ली में 10-15 रुपए किलो, और बीच में टमाटर 60 रुपए किलो हो गया, 4 गुना 400% का उछाल आ गया उसमें। प्याज में भी ये हालत हुई, प्याज 15 रुपए किलो पे की और 70 रुपए पे आ गई। और ये फसल की पैदावार कितनी उससे ताल्लुक नहीं है, बाजार की ताकतें तय कर रही है, बाजार की होल्डिंग तय कर, सरकार ने होल्डिंग पे छूट दे रखी है कि आप मनमर्जी से चले जाओ होल्ड कर लो। अब मैं पूछ रहा था, मध्य प्रदेश के किसानों ने मुझे बताया कि पंजाब में इतने बड़े बड़े गोदाम सरकार ने व्यापारियों ने बनवा लिए, मध्य प्रदेश के व्यापारियों तमाम व्यापारियों ने बड़े बड़े कि जिसमें आप 5-5-10 हजार क्विंटल अपना अनाज रख लो। तो वो जाहिर है कि किसान को तो नहीं करना, ये था सरकार को कि गांव में प्राइस फ्लक्चुएशन रोकने के लिए किसान के लिए वेयर हाउस बनते, कोल्ड स्टोरेज बनते, और किसानों को कहा जाता है कि आप अपनी फसल इसमें रख लो और आपसे नॉमिनल किराया लिया जाएगा और आपको फसल रखते वक्त उसका 50% दाम तभी दे दिया जाएगा, बाकी दाम आप जो फसल बेचो तो चुका देना। करना तो ये चाहिए था बिल्कुल, यानी ये जो कानून सरकार ने बनाए किसानों की किसी जरूरत को मद्देनजर रख के नहीं बनाए, ग्राम स्वावलंबन को मद्देनजर रख के नहीं बनाए, ये तो सिर्फ व्यापारियों की मांग है कि हमारे ऊपर कोई अंकुश ना कोई रोक ना लगे उसके खातिर बना दिया ये। तो इसलिए किसानों का एक बहुत जायज आंदोलन है। अब उसमें अहिंसा के एतबार से आप विचार करें तो थोड़ा ठीक है भाई कि पूरी सड़क नहीं घेर के आधी सड़क खोल देते ताकि कुछ
ट्रैफिक भी चलता रहे तो उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन किसानों का अदरवाइज बहुत नॉन वायलेंट स्ट्रगल है और उनके वजूद का मसला है ये। जी प्रोफेसर उपाध्याय, एग्रीकल्चर जो है, कृषि का काम, ये सस्टेनेबल नहीं रहा, और ये कोई आज से नहीं, बहुत समय से सस्टेनेबल नहीं रहा। तो और इसकी सस्टेनेबिलिटी तो और इफेक्टेड होगी इन कानूनों से, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग आ रही है साथ में, होर्डिंग के लिए खुली छूट है, कोई भी खरीद सकता है, एपीएमसी के बाहर जो खरीद फरोख्त होगी उसमें एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ये तीनों कानून में एमएसपी शब्द है ही नहीं। तो आप इस, अच्छा ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसका पूरा जो कनेक्शन होगा, यानी पूरा रिश्ता इसका जो है वो फूड क्राइसिस से होगा, कि जो जो शहरी मध्य वर्ग अभी इस बात को नहीं समझ रहा है, उसकी मंथली इनकम का बड़ा हिस्सा फूड प्रोक्योरमेंट में चला जाएगा, खाना खाने में चला जाएगा। हाँ, ये जो तीन जो इन्होंने कानून बनाए हैं जी, ये किसी किसान संगठन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से भी बिना सलाह करके खाली उन लोगों के दबाव में बने हैं जो खाली कॉर्पोरेट्स का फायदा देख रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं। तो जो कॉर्पोरेट यहाँ पे, अब व्यापारी सब भी थोड़ा मुश्किल सा है, पर बात यहाँ पे जो असली आती है तो ये बड़े कॉर्पोरेशंस की है। जो मुद्दे इसमें शामिल हैं तो उसमें जो कैपिंग हटा दी है कि कितना भी भंडारण ये कर सकते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं हमारी, चाहे वो अंबानी हो, अडानी की हो, किसी का भी हो, जिनका खूब में इंटरेस्ट हो, तो वो किसी भी लेवल पर इसका स्टॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो हमारे यहाँ स्टॉक्स होते हैं वो सारे एफसीआई के होते हैं, वो सरकारी होते हैं, उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सही है, लेकिन बेसिकली उसका आइडिया ये होता है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो उसका यूज हो सकता है। जैसे अभी कोरोना क्राइसिस में काफी कुछ एफसीआई गोदामों से निकाल के लोगों को अनाज दिया गया, लेकिन जब कॉर्पोरेट स्टॉक्स करेंगे और किसी भी लेवल पे करेंगे तो उनका तो सीधा साधा पर्पज प्रॉफिट मोटिव से ही होगा, उनका तो आइडिया ये होगा कि उससे प्रॉफिट, तो वो एक्सपोर्ट मार्केट में करें, कहां पर करें, इंडिया में करें, किस तरह से, तो वो मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा करके सस्ते दाम के, और जब उनको लगे कि दाम महंगे हैं तो तब उसको निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, आम आदमी की जीवन के लिए। आप जैसा कह रहे हो कि लोअर जो मिडिल क्लास है उसके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा इन फूड आइटम्स पे खर्च होता है, और मतलब अगर स्थिति खराब हो तो मिडिल क्लास को भी अफेक्ट कर सकती है। तो एक ये सबसे बहुत बड़ी चीज है। एक और दूसरी बात इसमें जो बहुत बड़ी आ रही है कि वो ये है कि यहाँ जो भी इसके पक्ष में बोल रहा है तो वो हमेशा ये तुलना कर रहा है कि देखो उस इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फायदा हो गया, मोबाइल्स में फायदा हो गया, एयरलाइंस में फायदा हो गया, जी। लेकिन यहाँ बेसिक समझ की बहुत बड़ी कमी ये है कि हम एग्रीकल्चर की तुलना हम इंडस्ट्री से नहीं कर सकते, बिल्कुल हम दूसरे देशों से भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे देशों का तो 200 साल का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इतिहास है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर से लोग निकले और वो इंडस्ट्री में खपत होते गए, सर्विसेज में खपत होते गए, लेकिन हमारे यहाँ तो हुआ नहीं और ना ही अचानक होने वाला है। तो हमारे यहाँ अभी भी 50-60% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पे जिंदा रहते हैं, पॉपुलेशन कहीं जाने वाली नहीं है उस तरह से। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर सारी दुनिया में, आज भी अमेरिका में भी देखो या यूरोप में भी देखो, वो मोड में काम नहीं करती। जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है ना, हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम किसान को मजदूर बना देंगे, हम उनको कहेंगे तुम पहले इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो और तुम मजदूर की तरह हमें जो भी पैदा हो दे देना। इस तरह से दुनिया में कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर आज भी फैमिली के श्रम पर आधारित है, सारी फैमिली उसमें लगी होती है, दिन रात काम करती है, माँ बेटे बच्चे सब काम करते हैं उसमें, तब जाके कहीं उनकी आजीविका उसमें से निकलती है। ये जो इंडस्ट्री का मॉडल होता है
फैक्ट्री का मॉडल होता है कि 10 आदमी हमने एम्प्लॉय कर लिए, 10 से 8 घंटे काम करा लिए, उस तरह से एग्रीकल्चर नहीं चलती। पूरा 24 घंटे इन्वॉल्वमेंट फैमिली की तरफ से होता है। तो ये मॉडल, ये एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म का मॉडल कहीं भी नहीं है। कहीं अमेरिका में भी देख लो, वहां 2% लोग ही एग्रीकल्चर में बचे हैं, लेकिन अभी भी फैमिली फार्मिंग है जो बेसिस है, उसमें फैमिली इन्वॉल्व है। हालांकि वो और हायर कर लेते हैं लोग, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर पे। तो हमारे यहाँ पर जो सलाह दी गई है, किस तरह से कॉर्पोरेट के जो लॉबीस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट आजकल जो ट्रेंड होकर आते हैं अमेरिका में नई यूनिवर्सिटीज में, उनको एग्रीकल्चर का उस तरह से ज्ञान नहीं होता, उनकी एजुकेशन उस तरह से नहीं होती है। और जब भी आप टीवी पर कोई बात सुनोगे तो लोग कहेंगे कंपेयर करते हैं, मोबाइल से कंपेयर करते हैं। अरे भाई, ये इंडस्ट्री का मॉडल, कैपिटलिज्म का मॉडल, जहां पर की फैक्ट्री में आप हायर करके प्रोड्यूस करके उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो, वो नहीं है। तो ये एक बेसिक समझ की बात है। और ये जो सारा का सारा, अब सरकार जो भी किसान नेताओं से बात कर रहे हैं तो उसमें संशोधन है, तो संशोधन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा मॉडल आपने इस तरह का बना के दिया है उनको कि इसमें दूसरों के इंडस्ट्री की तरह प्रोडक्शन हो जाए, इसमें कॉर्पोरेट घराने आ जाए, बड़े बड़े घराने आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाए, तो क्या होगा फिर उसमें? जो उसमें तो फिर आप चाहोगे कि लोग भी, बहुत कमी लोग इन्वॉल्व हों, फिर लेबर कहाँ जाएगा, जनता कहाँ जाएगी, 50-60% लोग कहाँ जाएंगे? आज किसी भी तरह से आप जैसा कह रहे हो कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, किसी के पास में 2-3 एकड़ जमीन है तो वो कहाँ कमा पा रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा है, उससे पूरा मेहनत करता है, फैमिली लगी होती है, कुछ भी करके थोड़ा बहुत खाना वाना अपना निकाल लेता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सारी चीजें समझने की बात है। तो संशोधन जो इसमें सजेस्ट किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, वो उनका कोई मीनिंग नहीं है। पूरी की पूरी बात ही यहाँ पे जो एग्रीकल्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको इंडस्ट्रीज के हाथों में देने की जो बात की जा रही है, तो उसका जाना चाहिए। और बड़े, मतलब हम कह सकते हैं कि गर्व से कि फार्मिंग कम्युनिटी इस चीज को समझ रही है, न केवल पंजाब हरियाणा में, बस सारे हिंदुस्तान में। हाँ। आदमी से आप वहां बात करके देखो तो बेसिक मुद्दों को वो समझ पा रहा है। बिल्कुल, ये खास बात है। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ प्रोफेसर उपाध्याय, कि विकसित देशों ने भी खेती की उपज को बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा है। और हमारे देश में 60% से ऊपर लोग पीडीएस पे आधारित हैं। हाँ। वो प्रोक्योरमेंट एफसीआई से आता है, वो प्राइवेट कंपनी से खरीद के सरकार नहीं दे सकती। हाँ। उसके अलावा जो बाकी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वो इतनी महंगी, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन क्या कह रहा है कि अगर 100% से ऊपर जाएगा तभी पेरिशेबल आइटम्स का या नॉन पेरिशेबल आइटम्स का दाम, तभी सरकार इंटरवीन करेगी। यानी हाँ, तो ये मेरा यही कहना है कि ये मिडिल क्लास और शहरी मिडिल क्लास को ये बिल्कुल समझना चाहिए कि ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, उनके घर के बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है 1-2 साल के अंदर चला जाएगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, ये केवल जैसे आपने शुरू में कहा कि किसानों का मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी है। इसके पहले हमने देखा कि सीए के आंदोलन हुए, उसमें महिलाओं ने बिल्कुल लीड रोल लिया, छात्राओं ने छात्र आंदोलन में आगे चढ़ के रोल लिया, कितनी छात्राएं जेल में भी गई, आज भी जेल में है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं कई जामिया की छात्र भी जेल में है। तो ये जो आंदोलन लगातार हो रहे हैं, एक मास मोबिलाइजेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ एक कॉरपोरेट ताकत है जो मास मीडिया के माध्यम से, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि अगर आप देखें कि ऐसे ही जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी अंग्रेज के समय में, तो किसान मूवमेंट भी एक आजादी की लड़ाई के धुरी थे। तो क्या ये हमको ये माने कि ये जो मूवमेंट हुए मास मूवमेंट, ये जो एक क्राइसिस के दौर से हमारा लोकतंत्र भी गुजर रहा है, जहाँ इंस्टीट्यूशंस जो है वो खतरे में है, जहाँ प्रेस की आजादी, मीडिया कहने वाले लोग खुद ही नीलाम कर चुके हैं, तो आपको कोई उम्मीद दिखाई देती है? जी, मैं कल गया था शाहीन बाग, तो शाहीन बाग में कुछ
लोगों से मिला जिन्होंने वो प्रोटेस्ट देखा है, कुछ औरतों से भी मिला जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और क्योंकि मैं मानता हूं कि वो हिंदुस्तान को जोड़ने का एक आंदोलन था और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का आंदोलन था, जिसकी मुख्य पहला कदम उसका यह है कि जनता ही मुल्क है और जनता के ऊपर सरकार शक या के एतबार से नहीं देख सकती, जनता को चोर मान के कि तुम साबित करो कि तुम चोर नहीं हो, तुम साबित करो तुम नागरिक यहाँ के बाहर से नहीं आए हो, ये सरकार का काम नहीं है। तो ये सरकार, ये आवाम के वजूद पर हमला है सरकार की तरफ से, उसको रोकने का आंदोलन था। तो मैं कल शाहीन बाग गया था और लोगों से बातचीत की, तो लोगों को मुद्दा तो अभी भी सही लगता है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी वजह से उसमें एक एप्रिहेंशन पैदा हुआ है, और इन लोगों में हुआ है जो खासतौर से ऑनलुकर्स थे, देखने वाले थे, सही हिस्सा लेने वालों से मेरी मुलाकात बहुत कम हो पाई है, उनकी तो हौसले भी कायम है, लेकिन ऑनलुकर्स में देखा तो उसमें एक पश्चिमती आ गई क्योंकि गिरफ्तारियां हो गई। मैं समझता हूं कि इन आंदोलनों को, किसान आंदोलन को भी यही करना है, 500 किसान संगठन है देश में जी। अब 500 किसान संगठन कुछ तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, खासतौर से बीजेपी का तो है ये अपना किसान संगठन, बाकी शायद पार्टियों का किसानों में इतना बेस नहीं है, तो स्वतंत्र संगठन है जैसे भारतीय किसान यूनियन है और तमाम संगठन है। इन संगठनों की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रही है कि ये संगठन गांव के किसानों के सारे मुद्दों को नहीं, सिर्फ आर्थिक सवाल को ये पकड़ लेते हैं, और वो भी दो तीन मुद्दे पकड़ लिए इन्होंने, बिल का विरोध बिल्कुल सही है, बिजली के बिल का मसला उठाया वो भी सही है, तो ऐसे मुद्दे तो इन्होंने उठा लिए। लेकिन तो प्रोफेसर उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि जो मिडिल क्लास है वो उसको समझ नहीं रहा है, और जो फूड क्राइसिस है वो बहुत एग्रीवेट करेगी अगर इस तरीके के बिल आते हैं, तो ये मंजर आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी कम से कम हमारे देश में हमने एक बात हम कह सकते हैं कि फूड क्राइसिस की स्थिति नहीं है, हालांकि न्यूट्रिशन सबको ढंग से नहीं मिलता वो भी हम सब जानते हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ खेला जाए और ये एक्सपेरिमेंट किए जाएं और उसको एक इंडस्ट्री की तरह रन करने की कोशिश की जाए, कॉरपोरेट्स को दिए जाए, तो हम उस स्थिति में भी पहुंच सकते हैं कि जहां हमें फूड क्राइसिस झेलनी पड़े, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि ये सेक्टर वैसा नहीं है जिसको इंडस्ट्री की तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो प्राइसेज का मामला है, इन्फ्लेशन का मामला है, अगर कॉरपोरेट का कंट्रोल है तो वो दाम किस दाम पर बाजार में बेचेंगे, कितना कंट्रोल करेंगे, कितना अपने पास स्टॉक रखेंगे, तो ये सारे मसले हैं जो फार्मर्स के बाहर भी जाते हैं, बाकी सारी जो देश की जनता है सबको अफेक्ट करते हैं उस तरह से, और फार्मिंग कम्युनिटी तो अपने आप में बहुत बड़ी है, 60% अगर हमारी जनता है अगर वो अफेक्टेड हो रही है तो वो भी आधा देश तो हो वही वही तो मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए जिसको कहते हैं कि जो खुद तमाम जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी जो फ्री इकोनॉमी या ग्लोबलाइजेशन के जो हिमायत करने वाले लोग हैं वो भी अब ये मान रहे हैं कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी ऊपर पैसा पहुंचाओ और ऊपर से पैसा या अपॉर्चुनिटीज नीचे आएंगी, ये नहीं होता है, ये यूरोप में नहीं हुआ, पश्चिमी इकोनॉमीज में भी नहीं हुआ, तो वो सारे लोग अब वो कीनियन मॉडल में वापिस जा रहे हैं, ज्यादा सब्सिडीज दे रहे हैं। अभी आपने कोरोना के समय में भी देखा कि स्टेट्स ने, बाकी पश्चिमी देशों ने अपने खजाने खोल दिए, तो जो 60% जो किसान है उसकी हम बात करें या 80% लोगों की हम बात करें, तो वो जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, वो बॉटम ऑफ पिरामिड अगर कमजोर होगा तो वो जो शहरी अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उसको उसका भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ नहीं, आप जो कह रहे हो ट्रिकल डाउन की बात कर रहे हो तो अब वो बात तो पुरानी पड़ गई, अब तो ट्रिकल अप की बात होती है जी। हमने कोरोना काल में देखा है, हमारे यहाँ तो खैर सरकार ने ज्यादा पैसा नहीं डाला है, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में बहुत पैसा डाला गया है, बाई कैपेसिटी बढ़ी है ना लोगों की, तो कई कई जो उनके फिजिकल पैकेज हैं तो वो
कहीं 10% जीडीपी के हैं, कहीं कहीं किसी देशों में तो 20% जीडीपी के, लेकिन उसका क्या हुआ, वो सारा का सारा पैसा आगे दोबारा फिर जो रिच सेक्शन है सोसाइटी को वहां पहुंच रहा है, कॉर्पोरेट को पहुंच रहा है, जो भी सब जो बेल आउट हुए हैं, किसी को भी जो बॉन्ड खरीदे गए हैं, कंपनियों के बॉन्ड खरीदे गए हैं। तो अमेरिका में भी आज की तारीख में पैसा तो बहुत डाला गया, लेकिन आम आदमी को जो दे रहे थे कुछ $1200 दिया, कुछ वो कुछ महीने दिया, बाद में बंद कर दिया। अभी भी जितने भी क्राइसिस जो पॉलिटिकल डिबेट है अमेरिका में, वो इन्हीं चीजों को लेकर काफी हुई है इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी। हालांकि पैसा यही सरकारें जो पहले कंजर्वेटिव आइडिया की बात करती थी कि हम फिस्कल पॉलिसी को यूज नहीं करेंगे, फिस्कल स्टिमुलस नहीं होंगे, कोरोना काल में सबने खूब पैसा जो छाप के खूब बांटे गए हैं, लेकिन गए कहाँ वो? तो वही हमारे यहाँ तो खैर वो भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम जो आई है वो इस तरह से आई है कि हमने लॉकडाउन तो उसी सख्ती से कर दिया जैसे यूरोप, जैसे अमेरिका में तो खैर उसमें नहीं हुआ, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में हुआ उस तरह, इटली में, स्पेन में हुआ। कोई स्टिमुलस पैकेज तो आया नहीं। हमारे यहाँ तो थोड़ा क्रेडिट थोड़ा रिलैक्स किया है, और अगर कॉर्पोरेट्स के टैक्स कम कर दिए, उल्टे उल्टे स्टेप्स हमने लिए। और दरअसल में एक जो इस तरह के लोगों में, जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट में एक तरह का सोच होता है कि क्राइसिस का समय तो कुछ कर लो, जैसे रिफॉर्म बाय स्टील, कहने का मतलब चोरी से कर लो रिफॉर्म। अगर आप सीधे साधे सही समय में, मतलब ऐसे नॉर्मल समय में ये करने की कोशिश करते हैं तो उनको डरता भाई जनता नहीं मानेगी, पर कोरोना काल में कर लो कोई बात नहीं, सड़क पर तो कोई आएगा नहीं, हम कह देंगे कोरोना है, कोरोना का भूत है, तुम भागो यहाँ से। लेकिन ये लोगों ने उनकी बातें समझी है, और आज बिना कोरोना के भय के जो भी उसका डर है वो डर है, सही जगह है, लेकिन फिर भी सड़क पे आज लाखों लोग हैं। यही बात एक्चुअली हमने एनटीसीए में देखी, लेकिन वो तो प्री कोरोना पीरियड था, लेकिन सरकार का ये था कि कोरोना पीरियड में तो आप स्टेप्स ले लो, अपोजिशन तो हो नहीं सकता, पॉलिटिकल पार्टी भी डिमोबिलाइज दें, और कौन कौन बाहर आएगा उस तरह से। लेकिन किसी भी तरह से आज देश में ये माहौल बना है कि जनता समझ रही है, बावजूद इसके कि मीडिया पूरी कोशिश करता है कि उसको दूसरे भ्रम में डाले, कभी चाइना की बात कर लेगा, कभी पाकिस्तान की, कभी लव जिहाद की, कभी सुशांत की, कभी किस तरह से भड़का उसको बहका दे की कोशिश करता है। लेकिन आज किसी भी तरह से बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जनता का, हमारे देश के किसानों का आज इस बात को समझने लगा है कि सरकार भ्रम करने की कोशिश में, भ्रम में डालने की कोशिश करती है, मीडिया उसका पूरा सहयोग करता है, लेकिन आज आम आदमी इस बात को समझ रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि लोग समझ कर सड़क पे आ रहे हैं और सरकार की नीतियों का बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके कुछ नतीजे निकले। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रोफेसर्स का, कि बड़ी सार्थक चर्चा रही, और हम इस पे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन किसानों का ये जो आंदोलन है, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रफुल्ल त्रिपाठी का शायद वो वीडियो ऑफ हो गया है, तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो किसानों का आंदोलन है वो सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है, वो किसानों का जो आंदोलन है उसके बहुत व्यापक असर हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के रिवाइवल पे हैं, उसके हमारे फूड क्राइसिस से जुड़े पे हैं, रोजी रोजगार, मैं देख रहा हूँ कि तमाम सारे जो युवक हैं वो आज बेरोजगारी का शिकार है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं बढ़ेंगे। आप अगर याद करें प्रोफेसर उपाध्याय की 2007-08 में जब ये ग्लोबल 8-9 में ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ लेमन ब्रदर्स के बाद, हमारी इकॉनमी बच गई और हमारे इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां नहीं गई, बल्कि वो समय ऐसा था कि जब हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल और ब्रांड्स और गाड़ियां मतलब बाजार जो है वो जगमगा रहा था। तो वो जगमगा बाजार इसीलिए रहा था क्योंकि मनरेगा जैसी कई स्कीम से नीचे पैसा गया था, और जो आपने कहा कि वो ट्रिकल अप इफेक्ट हुआ था। और आखिरी कमेंट प्रोफेसर त्रिपाठी से ले लेते हैं कि वो आपका वीडियो बंद हो गया था, कि जो जैसे आपने बात कही कि इसमें छात्रों को, वर्कर्स को,
तमाम सारे मूवमेंट को जुड़ जाना चाहिए। और कुछ मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, कई सारे लोग, लेकिन उस पैमाने पर लोग नहीं जुड़ रहे हैं जिस पैमाने पर होना चाहिए। और देश भर से इसकी इसकी जो इसके जो आंदोलन है, जैसे CANRC का आंदोलन हुआ, वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका तो मैं कारण नहीं बता सकता कि ये जुड़ क्यों नहीं पा रहे आंदोलन, लेकिन उनको जुड़ने की ज़रूरत है। और ये मैं मानता हूँ कि ये सरकार जो है ये दो चीज़ों पे चल रही है, डिवाइड एंड रूल और दूसरा इम्पीरियलिस्टिक इसका करेक्टर, कि कायदे कानून की कोई परवाह न करो, संविधान की परवाह न करो, संस्थाओं को कब्जे में कर लो, अपना डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक जो डिबेट होती है उसको सप्रेस कर दो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हर संस्था में जितनी भी इदारे हैं पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में डिस्कशन डिबेट खत्म कर दो, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन खत्म कर दो। ये इसका कॉन्सिक्वेंटली गांव के लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए मंडी से तो जूझना है, उसके लिए आपस की फूट से भी जूझना है। अगर वे टुकड़े में बट जाएगा तो जितनी भी चुनाव होंगे जिनके जरिए आप हुकूमत बदलते हो या हुकूमत को आप गाइड करते हो, वो सारा का सारा आप फेल ही हो जाओगे। अगर सांप्रदायिकता का मुद्दा या जातिवाद का मुद्दा या कोई इमोशनल इशू पाकिस्तान का उठा दिया आपने सवाल और पूरा चुनाव बिल्कुल मुद्दों से हट भटक गया, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये इसके बारे में गाँव के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये किसान आंदोलन मजबूत तब बनेगा, अभी मजबूत है और अच्छी बात है, जब इसमें दो बातें और शामिल हो जाएंगी कि इस आंदोलन में जो भूमिहीन मजदूर है, जो छोटी जात का आदमी है, जो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो इसका हिस्सा बन जाए। अभी मैं देखने गया तो मुझे यूपी के आंदोलन करने वालों में कुछ मुसलमान मिल गए, लेकिन इक्का दुक्का मिले, जबकि वहां पे मुसलमान हैं। अब हुआ ये था कि 2015 में जब दंगा हुआ, 2013 में वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर के इलाके में, तब से कुछ गांव में मुसलमान भागे डर के मारे, वो वापस लौट नहीं पाए। वरना जब महेंद्र सिंह टिकैत थे तो ये मुसलमान भी किसान यूनियन का हिस्सा होते थे। जी, मैं चाहता हूँ कि किसान संगठन अपने आप को सब समुदायों को इकट्ठा करने के लिए इंक्लूसिव कर कोई कोशिश करे, तो अगर किसान संगठन आपस में सबको लेके चलेंगे तो देश की राजनीतिक शक्ल बदलेंगे। और उसी तरीके से शिक्षक आंदोलन या विद्यार्थी आंदोलन या नागरिकता का आंदोलन जो हमारी बेटियों ने चलाया, शाहीन बाग और तमाम, अकेली मुस्लिम लड़कियों ने नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भी चलाया, वो तो बड़ा एक व्यापक आंदोलन था, उसको ये कहना गलत है कि सब मुसलमानों का आंदोलन था, लेकिन नागरिकता का आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब बातों पे समग्र सोच पैदा होनी चाहिए, वो होगी तो हम सरकार की, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बहुत होते हैं, कुछ तो उसकी नियति उसके स्ट्रक्चर में खोट है कि जो पार्टियां सांप्रदायिक रुझान से बनी हैं उनके तो बुनियाद में खोट है, लेकिन कुछ उन पे प्रेशर भी बाहर का होता है, और वो है कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रेशर, व्यापारी तबके का, इलीट क्लास का प्रेशर, उससे वो तभी जूझ पाएंगे। उससे तो उस पर किसान भारी पड़े, मजदूर भारी पड़े, यानी उनके दबाव के आगे सरकार के ऊपर इनका ज्यादा दबाव सामने आए या इनकी जरूरत ज्यादा महसूस सरकार करे, तो ये तभी किसान मजदूर और ये सब संगठन कर पाएंगे जब अपने सोच को व्यापक बना लें, फिर का बारी इसमें भटके नहीं, इस तरीके का मेरा सोच है। और अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और अंत में एक छोटी सी बात मैं ये कह दूं कि किसान एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है कि किसान समझ नहीं रहा है, किसान अनपढ़ है, किसान भड़काने में आ जाता है। तो किसान को मैं आपको जितनी मुझे जानकारी में बता दूं कि अगर शहरी लोगों को सरकार की किसी नई नीति की जानकारी 6 महीने बाद आती है, किसान इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ता है, लेकिन जब वो सुबह 4 बजे मंडी जाता है तो उसको सरकार की नई नीति वहां दिखाई दे जाती है। सही बात है, सही है। तो ये कहना कि किसान समझता नहीं है, ये केवल प्रचार है। किसान बहुत समझता है और बहुत संजीदा है, उसके उसका पॉलिटिकल जो लाइन लेंथ है, आप ये समझिए कि वो किसान विज्ञान भवन में
कल अपना खाना लेके गए तो बिल भी नामंजूर किया, कानून भी नामंजूर किया, उनका खाना भी नामंजूर किया। ये एक पॉलिटिकल सोच दर्शाता है किसानों की। सही है, सही है, गहरा ये सोच में, बहुत सही है। जी, तो इसी के साथ ये चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और फिर अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। और प्रोफेसर त्रिपाठी और प्रोफेसर उपाध्याय, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।